मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपके साथ जो बोर्ड का पेपर आया है 22 और 23 वाला, है ना, 22-23 सेशन का जो भी आप आज दे कर आए हैं, इसके आंसर्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या था और किस तरह से आपको इसे अटैम्प्ट करना था। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं, और एटलीस्ट आपको MCQs वाले क्वेश्चन या जो आपके इक्तिबास वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स पता चल जाएंगे, है ना। तो देखिए, मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चों के पास यही सेट गया है। जनरली जिन बच्चों ने भी मैसेज करा, सब ने यही कहा है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम बहुत अच्छा पेपर गया है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। आगे पेपर के लिए भी मेहनत कीजिए। मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ मैम ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको इंग्लिश वगैरह के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल आज हम इसको देख लेते हैं कि इसका क्या रहेगा। देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं उर्दू कोर्स भी है, कुल नंबर 80 हैं, 3 घंटे का टाइम था। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं कि भाई इसमें जो है 12 पेज हैं, गिन लीजिए, है ना, जो प्रिंटेड हैं, और सब पे QP लिखा हुआ है। ये आपको अपनी आंसर शीट पे भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें सवाल जो है टोटल 14 है, ठीक है। सभी सवाल के जो नंबर हैं वो जब आप कॉपी पे आंसर लिखेंगे तो आपको उस पे सीरियल नंबर लिखना है कि भाई जवाब नंबर 1 है, जवाब नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे पहले ही, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि ये सवालनामा आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा, किस लिए, रीड करने के लिए, है ना। और फिर 10:30 पे आपको क्या करना है, इसे लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब अगर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक पेपर से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई ये 4 हिस्सों में मुश्तमिल है, अलीफ़, बे, जीम, दाल। अलीफ़ में आपकी इबारत फहमी और शेर फहमी है, यानी आपके इसमें इक्तिबास होंगे, चाहे वो दर्सी हों चाहे वो गैर दर्सी हों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तहरीरी महारत होगी जिसमें आपको एसे एप्लीकेशन वगैरह होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो कवायद है, मेन ग्रामर है, वो होगा। और लास्ट में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपकी बुक के होंगे, है ना। और ये बात तो क्लियर थी ही कि भाई दूर पास से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों से इसीलिए बोला था कि क्योंकि वो सिलेबस में है, अगर आ जाते तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे पता है कि नहीं आएंगे सवाल, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पहले सवाल की बात करें तो ये पूरा सेक्शन 20 नंबर का है। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो गैर दर्सी इक्तिबास है, गैर दर्सी जो आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी किताब से नहीं लिया गया। इसमें 5 सवाल होंगे, हर सवाल का 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ जो आपका इक्तिबास दिया गया है ये चीन की दीवार के ऊपर दिया गया, तो लिखते हैं चीन की दीवार की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर क्या है, उतरती चढ़ती हुई है बहुत दूर तक, यानी कि मीलों तक जाती रहती है ना। तो ये इक्तिबास तो आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा। हम सीधे सीधे सवाल जवाब देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। पहला देखिए, लिखा है दीवारें चीन की क्या चीज़ मीलों दूर तक जाती है, तो अभी हमने पढ़ा लंबाई, इसका जवाब सही जो है लंबाई। जिन बच्चों ने लंबाई लगाया है उनका 1 मार्क्स से पक्का है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब यहाँ लिखा है अब किन की टोलियाँ घूमती फिरती हैं, तो किन की टोलियाँ घूमती फिरती हैं, सयाहों की। पहले घोड़ों की सवारें होती थी लेकिन अब ये नहीं होते हैं। अब इसका सही जो आंसर था वो बी था, जिसने बी लगाया है उसको फिर 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, तीसरा सवाल, सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं, एक लफ्ज़ में आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो 1 वर्ड में रहेगा वो है दिल बहलाने की लज्जत। अगर किसी ने ये लिखा है तो उसको 1 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अब आपका जो चौथा सवाल है, यहाँ लिखा है दीवारें चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं, ये आपको 1 जुमले में यानी 1 सेंटेंस में इसका जवाब देना है। तो देखिए, जिसने यहाँ से इसका ये जवाब दिया है कि भाई ये देखिए लिखा है कि इसका जो ये चौड़ी, इसकी चौड़ाई का अंदाज़ा इससे लग सकता है कि इस पर एक वक्त में कई कई घुड़सवारों की क्या है, टोलियाँ दौड़ती फिरती थी, ठीक है। जिसने ये जवाब दिया है उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे, 1 नंबर उनका पक्का है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है दीवारें चीन में गोशे किस लिए बने हैं, यानी कि उसमें छोटे छोटे कोने क्यों बनाए गए हैं। तो देखिए, जिसने जवाब यहाँ से दिया है कि रास्ते में, यहाँ पे जो बना है ना, देखिए यहाँ लिखा है कि थक कर बैठ जाते हैं, तो रास्ते में ही दम लेने के लिए ऐसे गोशे भी बने हुए हैं जहाँ बैठ कर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने ये जवाब दिया है उसको 1 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए दूसरा जो आपका आता है ये भी गैर दर्सी है, लेकिन ये कौन सा इक्तिबास है, ये आपका शेरी इक्तिबास है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, 1-1 नंबर के 5 सवाल होंगे आपके, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। या रब रहे,
ये आप अल्लाह पाक की तरफ से मुखातिब होके कह रहे हैं, या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि भाई हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे, फले फूले हमेशा ये गुलसिता हमारा, यानी फलता फूलता रहे, तरक्की करता रहे। ठीक है, गंगो जमन हिमालय कश्मीर उत्तराखंड। अब देखिए गंगा जमुना ये सब क्या है, ये नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत हो गया, कश्मीर और उत्तराखंड दो जगहों के नाम हो गए। है कितना खूबसूरत ये गुलसिता हमारा। अब क्या कहते हैं, कितना खूबसूरत है हमारा देश, बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आँचल। यानी हमारा देश कैसा है, हमारा देश ऐसा है जैसे बच्चों के सर पे माँ का आँचल है ना, उनको सहारा दिए रहता है। सेम उसी तरह से ये हमारा देश भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इसी तरह से हमें सहारा देता है। लिखा है अमन और अमान का ठंडा ये साहिबा हमारा है ना, यानी सुकून शांति देता है हमें। ठीक है, आगे लिखते हैं बढ़ता रहेगा यूं ही तू देख लेना। ठीक है, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, यानी कहते हैं यूं ही बढ़ता चला जाएगा ये, हमेशा तरक्की करेगा। और किसका है, गौतम और गांधी का है ना, गौतम बुद्ध और गांधी जी अपने महात्मा गांधी। ठीक, अब देखिए ये पहला सवाल कहते हैं हिंदुस्तान को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया आपको पता है, गुलसिता कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस नज़्म में शायर किससे मुखातिब है, तो आपको पता है अल्लाह पाक से मुखातिब है। तो जिसने जिसने ये जवाब दिए हैं उनको एक एक नंबर पक्का है। अगला सवाल देखिए उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र किया गया है, एक लफ्ज़ में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड एक शहर है और दूसरा शहर क्या है, कश्मीर। ठीक है, तीसरा लिखा है साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है, तो किस चीज़ से दी गई है, मुल्क से दी गई है ना, मुल्क ही तो है हमारे लिए साहिबा। आगे देखिए लिखता है अगले सवाल में कि इस इक्तिबास में किन दो मशहूर लोगों का नाम आया है, तो अभी हमने आपको बताया एक आया है गौतम बुद्ध का, दूसरा आया है महात्मा गांधी का। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे आ जाइए, अब आपका सवाल नंबर 3 है, ये आपका दर्स इक्तिबास है यानी आपकी किताब से लिया गया है, और ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहली लाइन पढ़ते हैं कि ये आग का गोला थी हमारी दुनिया, आपको पता चल जाता है कि ये किसका है, आदमी की कहानी से लिया गया है। देखिए यहाँ पहला ही सवाल दिया गया है ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है, तो आपको पता है कि आदमी की कहानी से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल लिखा है हमें कितने आग के गोले आसमान में चक्कर लगाते दिखाई देते हैं, तो अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा लाखों करोड़ों। ठीक है, अगला देखिए ये लिखा है इक्तिबास में आग का मुतजाद, मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, तो आग का उल्टा क्या होगा, पानी। ठीक है, अगला लिखा है आतिश फशां पहाड़, यानी कि वो जो आग उगलने वाले ज्वालामुखी वाले पहाड़ होते हैं वो क्या करते हैं, एक जुमले में बताइए तो क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो आतिश फशां पहाड़ होते हैं यानी कि जो आग उगलने वाले पहाड़ होते हैं वो क्या करते हैं, दहकती हुई आग उगलते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, दूसरे आग के गोले दुनिया के मुकाबले कैसे हैं, एक जुमले में लिखिए। तो देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है कि दूसरे आग के गोले जो हैं वो दुनिया के मुकाबले बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है ना, उनमें अभी तक आग ही आग है, वो भी ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जल्दी इसलिए समझा रही हूँ बेटा मैं कि ज़्यादा टाइम ना लूँ आपको और आपको आंसर्स भी पता चल जाएँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपका ये दर्सी शेर है यानी कि आपका शेर इक्तिबास है जो आपकी किताब से ही लिया गया है। सॉरी, अब आप अगर इस शेर को पढ़ते हैं, हर एक चीज़ से है पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि जब पहाड़ ने गिलहरी से कहा था कि तू डूब मर जाके, तब गिलहरी ने उसको ये जवाब दिया था, बढ़ा जहाँ मैं तुझको बना दिया, उसने मुझको दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, यानी तुझको तो दुनिया में अल्लाह पाक ने बड़ा बना दिया और मुझको सिखा दिया क्या दरख्त पे चढ़ना, तू ज़रा दरख्त पे चढ़ के दिखा, है ना। देखिए यहाँ कहती भी है कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, है ना, क्या कि भैया तेरे अंदर तो कदम हिलाने की ताकत नहीं है, पहाड़ जहाँ होता है वहीं रहता है ना, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें, अब बताओ ज़रा, सिर्फ तुम बड़े तो हो, बहुत बड़ाइयाँ हैं बहुत खूबियाँ क्या हैं बताना ज़रा, तुम्हें तो चलना तक नहीं आता। ठीक है, कहते हैं जो तू बड़ा है तो मुझे सा हुनर दिखा मुझको, यानी मेरे जैसा हुनर मुझे दिखा, क्या है ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। छालिया किसे कहते हैं, डली को, पान में जो डाल के खाते हैं जिसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दे तो वो सुपारी बन जाती है। ठीक है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बड़ा कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक है, तो ये गिलहरी ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया था पहाड़ को। ठीक है, तो कहते हैं इस नज़्म का उनवान क्या है, तो आपको पता है इसका उनवान है पहाड़ और गिलहरी। अब लिखते हैं इस नज़्म के शायर कौन है, तो हम सब जानते हैं अल्लामा इकबाल साहब हैं शायर इसके। आगे अगला सवाल जो लिखा है जहाँ का मतलब क्या है, तो जहाँ का मतलब होता है दुनिया, दाल नून ये अलिफ दुनिया।
खुदा की हिकमत क्या है? तो खुदा की हिकमत ये है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, इस दुनिया में कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबको एक बराबर नहीं बनाया अल्लाह पाक ने, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, खुदा की हिकमत क्या है, ये तो हो गया। अगला सवाल लास्ट है आपका, आखिरी शेर में क्या पैगाम हासिल होता है, यानी आखिरी शेर हमें क्या बताता है? तो हमें आखिरी शेर ये बताता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया में जो चीज़ बनाई है उसका अपना मुकाम है, अपनी उसकी एक इज़्ज़त है, एक वैल्यू है, हम किसी को नकार नहीं सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपका सेक्शन बी है, ये आपका राइटिंग स्किल है ना, तहरीरी महारत, ये 25 नंबर का है। तो पहला आपको दिया गया है 250 लफ्ज़ पे मुश्तमिल कोई एक मज़मून पे आपको क्या लिखना है, किसी एक मौजू पे मज़मून लिखना है। 10 नंबर का मज़मून है, मैंने आपको मज़मून लिखने की ट्रिक बता दी थी, यौम जमहूरिया बहुत पहले से ही अपलोड है हमारे चैनल पे। इसके अलावा मेरा पसंदीदा शख्स भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। और स्कूल का सालाना जलसा बना हुआ तो है लेकिन अपलोड नहीं है, बना कर दूँगी इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड, ठीक है। तो वैसे अब मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि किस तरह से आपको करना है, उम्मीद करती हूँ आप लोग ये अच्छे से करके आए होंगे। इसके बाद देखिए अगला आपको लिखा है अपने स्कूल में क्या करना है, प्रिंसिपल के नाम सेक्शन तब्दील कराने की दरख्वास्त, ये मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी, अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो यहाँ लिखा है बड़ी बहन बीमार है, इस ख़त में लिखकर उनकी तबीयत का हाल मालूम कीजिए। देखिए सारे पैटर्न एक होते हैं, अभी मैंने एक दिन पहले ही छोटी बहन को कामयाब होने पर मुबारकबाद देने का ख़त लिखवाया था, ठीक है। उसमें ही थोड़ा सा अगर आप हेर फेर करते तो ये वाला भी बन जाता, कोई ज़्यादा मुश्किल पैटर्न नहीं है, है ना। वैसे ये ख़त मैंने करवा ही रखा था, उम्मीद करती हूँ आप लोग कर आए होंगे, ठीक है। फिर देखिए ये 5 मार्क्स का है, हबीब तनवीर या रतन सिंह के हालात ज़िंदगी पर आपको लिखना है। मैंने आपको हालात ज़िंदगी भी समझा दी थी कि किस तरह से आप कर सकते हैं हालात ज़िंदगी। कार्ट का घोड़ा या कारतूस का मरकज़ी ख्याल बयान करना है, तो इस देखिए अब इन दोनों में से कोई एक करना है या इन दोनों में से कोई एक करना है, मतलब ये है कि ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से कोई एक करना था। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक कर दीजिए, और ये नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक कर दीजिए, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे कि जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। अगले सवाल में देखिए नज़ीर अकबर आबादी और गालिब की हालात ज़िंदगी में से किसी एक पे करना था, या फिर नेकी और बदी जो नज़म है, या ऐ शरीफ इंसानों जो नज़म है, उनमें से किसी एक नज़म को करना था। मतलब ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आपको करना था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी जब मैंने समझाई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने करवा रखा था, दावा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें बेटा मैंने अपलोड कर रखी थी पहले से ही। आई डोंट नो आपने पिछली वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, मुझे लगता है शायद आप लोग ने देखी होंगी। अगर देखी हैं तो ये पेपर बहुत ईजी था, और मुझे आपके कमेंट से लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आए, वाकई आप लोग के लिए पेपर ईजी था, है ना। बस दुआ ये करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है आपका तीसरा हिस्सा जो है ये आपका क्या है, ग्रामर का है, कवायद का है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले ही सवाल में आपको दे दिया 9 नंबर का जो सवाल है कि ज़ेर में से सिर्फ 8 सवालों के जवाब देने, कितने सवालों के, सिर्फ 8, और हर सवाल के 2 नंबर हैं तो ये 16 नंबर का आपका होगा, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल यहाँ लिखा है अहमद कल आया था, अब देखिए था का मतलब क्या हो गया, फेले माजी, कि ये काम हो चुका है पिछले ज़माने में, पास्ट टेंस, ठीक है। अगला क्या लिखा है, गरीबों में खाना तकसीम किया गया, ठीक है। अब क्या है गरीबों, अब यहाँ लिखा है ये कौन सी फेल है, तकसीम किया गया है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, काम अभी हो रहा है ना, तो गरीबों में तकसीम हो रहा है तो ये फेल हाल हो जाएगी, है ना। आगे आ जाइए, अब देखिए यहाँ लिखा है सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज है। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ये एक मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है ना, तो ये इसमें खास हो जाएगी, ठीक है। अब अगला सवाल आप लोग ने पूछा था, मैम राब्ता की अलामत क्या है, तो राब्ता मतलब होता है किसी के दो के बीच में रिश्ते को जोड़ना, मतलब दो के बीच में एक तरह से संबंध बनाना, है ना, कह सकते हैं कि दो के बीच में जैसे माता और पिता, है ना। तो अगर हम और हटाएंगे तो राब्ता करने के लिए हम ये वाला हिस्सा लगाते हैं, ये तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क के लिए होता है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका सही जवाब रابطے के लिए ये है। अब आपको कोई 8 करने हैं तो अब 4 तो मैंने बता ही दिए हैं, पांचवे पे आ जाइए। शिकस्त मतलब होता है हार, और मुतजाद मतलब होता है उल्टा, तो शिकस्त का मुतजाद क्या है, शिकस्त का उल्टा क्या है, फतेह, फतेह मतलब होता है जीत, ठीक है। अगला देखिए यहाँ लिखा है दर्जे लफ्ज़ में से वाहिद की पहचान कीजिए, तो वाहिद देखिए ये उमरा है अमीर की जमा, ये अफवाज है फ़ौज की जमा, ये बेगमात है बेगम की जमा, तो ये 3 तो जमा है, ये तो वाहिद हो नहीं सकते, इसलिए इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा इख्तियार, ठीक है।
इख्तियार की जमा होता है इख्तियारात। ठीक, अब देखें यहाँ लिखा है सलातीन, सलातीन का वाहिद क्या है। अब ये सलातीन जो लफ्ज़ है ये क्या है, ये जमा है। अब आपको इसका वाहिद बताना है कि सलातीन का वाहिद क्या है। तो आप सब जानते हैं इसका क्या होगा, सल्तनत। और ये मैं सल्तनत कह रही हूँ, सुल्तान, ठीक है। ये मैं आपको बहुत पहले ही करा चुकी हूँ, अगर आपने वाहिद जमा वाली जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तकरीबन 100 आपको वाहिद जमा सिखाए थे, अगर वो आपने देखी हो तो उसमें इसका जवाब है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले ही करा चुकी हूँ, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं। अब देखिए यहाँ लिखा है ज़ेल लफ्ज़ में लाहिक़े का इस्तेमाल करना है आपको। लाहिक़े भी मैंने आपको आज मतलब कल की जो वन शॉट ग्रामर की थी उसमें ही समझाया था कि बेटा लाहिक़े का मतलब होता है कि जो पीछे लगे, है ना। देखिए अब अगर आप देखें तो यहाँ खुश ये भी आगे लगा है, बे ये भी आगे लगा है, बर ये भी आगे लगा है, सिर्फ देखें अगर तो यहाँ मंद पीछे लगा है, तो इसका सही जवाब होगा अकलमंद, है ना। क्योंकि देखिए किस्मत ये आपका मेन शब्द है, कार ये आपका मेन शब्द है, वक्त आपका मेन शब्द है, तो इनके आगे लगे यानी इसमें क्या है प्रीफिक्स है, आगे लगा हुआ है ना, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो अकलमंद रहेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज़ेल में से मुअन्निस कौन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो मेहनत होगा, मेहनत करना पड़ी, ठीक है। तो पड़ी तो यानी लड़की हो गई, है ना। अगर मेहनत करना पड़ा तो लड़का होता, तो लड़का तो ये है नहीं, है ना। अब यहाँ देखिए लिखा है बदन का मुतरादिफ़ क्या है। मुतरादिफ़ का मतलब मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, जो दिखने में तो लफ्ज़ अलग हों लेकिन उनके माने सेम हो। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, जिस्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके टोटल सवाल 10 थे लेकिन इसमें से कोई 8 आपको करने थे, ठीक है। आगे आ जाइए, अब सवाल नंबर 10 है। यहाँ लिखा है ज़ेल अल्फाज मुहावरे और कहावत में से सिर्फ 4 को करना है जुमलों में इस्तेमाल, ठीक। और हर किसी को करने का आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, इकलौता। इकलौता मतलब होता है एक अकेला। तो अब आप लिख सकते हैं मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। अहदा, अहदा क्या होता है कि एक पोस्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं, भाई मुझे डॉक्टर का अहदा मिल गया, ठीक है। या मैं बहुत बड़े अहदे पे फाइज हूँ, या मेरे पापा बहुत बड़े अहदे पे फाइज हैं, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है छठी का दूध याद दिलाना, यानी कि क्या होता है बहुत ज़्यादा मारना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ इसे आप सेंटेंस में बना सकते हैं कि पुलिस ने मार मार के चोर को छठी का दूध याद दिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, भेस बदलना। भेस बदलने का क्या मतलब होता है, अपने आप को चेंज कर लेना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई पुलिस को देखकर चोर ने भेस बदल लिया, है ना, या मुझे देखकर मेरे दोस्त ने भेस बदल लिया, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब आप ये लिख सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि जो जैसा करता है उसको वैसे ही भरना पड़ता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इस दुनिया में फ़ौरन ही फल मिल जाता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, जिसकी जैसी करनी होती है वैसी उसे भरनी पड़ती है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि गलती खुद की है और फिर खुद ही दूसरे को डांट रहे हैं। तो आप इसको भी सही कर सकते हैं कि भाई गलती होने पर भी मेरे दोस्त ने मुझे डांटा, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो अब इसके मीनिंग लिखते हैं, इन्हें जुमले में बनाना है, मीनिंग करना है, जो करना है आप लोग कर सकते थे। कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं कितने, 6, और 6 में से कोई आपको 4 करने थे, ठीक है। आगे आ जाइए, अब हिस्सा दाल आ गया है जो आपके अदब से रिलेटेड है, 15 मार्क्स का है, तो चलिए इसको करते हैं। अब देखिए लिखा है दर्ज ज़ेल में से सिर्फ 3 सवालों के आपको जवाब देने हैं, ठीक है। ये आपकी दर्सी किताब हिस्सा नसर में से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा सहूलियतें कर दी गई हैं आप लोगों के लिए, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। अब यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम और ये सारी चीज़ें भी लिख के दे देते हैं, बताइए हमें नहीं दी जाती थी ऐसे। अब लैंशो ने अपने पहले ख़त में खुदा के नाम क्या लिखा, बताइए खुदा के नाम जो उसने पहला ख़त लिखा था उसने क्या लिखा था, यही लिखा था ना कि भाई मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, मेरी जो फैमिली है वो क्या हो गई, सब फाकों का शिकार होंगे, फाके करेंगे, भूखे रहेंगे, तो इसलिए आप हमें 100 रुपीज़ भेज दीजिए, यही तो किया था उसने, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर आपको अगला सवाल जो दिया गया है इंटरनेट के ऊपर, यहाँ लिखा है मुअसलाती निज़ाम का मतलब बताइए और इस निज़ाम में शामिल वसाइल के नाम लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, है ना। तो जो मैंने सेकंड आपका बनाया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वन शूट, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। अगला देखें यहाँ लिखा हुआ है बंदूक की सुस्त रफ्तारी की वजह से कौन कौन से लोग परेशान थे, तो काट का घोड़ा है, इससे भी आपको पता है सारी चीज़ें, ठीक है। अगला लिखा है ज़बानों का अगर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की क्या क्या खसूसियत बताई गई हैं, ठीक। तो ये सारे सवाल आपको करने थे, आपको 3 सवाल करने थे, हर सवाल के आपको 2-2 मार्क्स मिले, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे सवाल नंबर जो 12 दिया गया है, दर्ज़ ज़ेल में से 2 सवालों के आपको जवाब देने हैं, ये भी आपको हिस्सा नसर से ही लिए गए हैं
और दो सवाल के जवाब है, तो ये एक एक नंबर के आपके दोनों सवाल हैं। पहला सवाल देखें, यहाँ लिखा हुआ है ठेकरे ने अपने एक किरदार के बारे में क्या लिखा था। तो ये बेतकल्लुफी में आपने पढ़ा था, कल ही मैंने आपको सवाल भी समझाया था कि भाई सेकंड वाली जो वन शूट बनाई थी उसमें सवाल आपको समझाया था कि उसने लिखा था कि बेतकल्लुफ दोस्त जो है वो आपके पास आते हैं, आपसे सामान लेते हैं और जाते टाइम आपसे एक शर्ट लेके ही जाते हैं, है ना। ये सारा जवाब मैंने आपको करा रखे हैं अगर आपने देखे। और भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या था, तो ये भी आपको कराया है, सकपाल नाम था उनका, है ना। आगे देखिए, यहाँ लिखा है अंग्रेज़ों को वज़ीर आला के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आ गए थे। कारतूस वाला जो अफसाना आपका चैप्टर है, तो आपको पता है ना रॉबिन हुड नाम था मेरे गालिबन, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, इजी था पेपर। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने आपको वन शॉट में क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे ऑलमोस्ट वही आए हैं। मुझे भी देख के बड़ी खुशी हुई है कि अगर आपने वन शॉट को ही अच्छे से देख लिया है तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, दर्ज ज़ेल में से दो सवालों के जवाब देने हैं, ये दो दो नंबर के रहेंगे आपके, ठीक है। यहाँ लिखा है जालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है, ये निकी और बदी नज़्म से लिया गया है। तो आपको इसका जवाब लिखना है कि भाई उसके ऊपर भी कोई ना कोई जुल्म करने वाला होता है ना। वो आज जुल्म कर रहा है तो कल उसके ऊपर भी जुल्म होगा, ठीक है। अगला सवाल लिखा है मीर तकी मीर ने इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या बताइए। तो आपको पता है कि क्या बताइए, कि सिर्फ जो ज़िंदगी की हकीकत है वो कैसी है। तो आपको पता है कि भाई उन्होंने बताई है कि हस्ती अपनी क्या हुबाब की थी, यानी एक पानी के बुलबुले के बराबर है, है ना, कभी भी ख़त्म हो सकती है इंसान की ज़िंदगी की हकीकत। अब यहाँ लिखा है जंग को अमन और आलम का खून क्यों कहा गया है ना। तो इससे क्या मतलब है, तो ऐश शरीफ इंसानों में कहा गया है क्योंकि भाई अगर जंग होगी तो क्या होगा, जो दुनिया का सुकून है, अमन है, चैन है, वो सब क्या छिन जाएगा, लड़ाई झगड़े बम ये सब चीज़ें होने लगेंगी हर तरफ, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है तीन सवालों के जवाब देने, हर सवाल का एक एक नंबर रहेगा। कोई सूरत नज़र नहीं आती, यह लफ्ज़ सूरत का क्या मतलब है। तो आपको पता है यहाँ सूरत का मतलब क्या, उपाय, कोई रास्ता, है ना। ये सारे क्वेश्चन बेटा अगर देखा जाए तो वन शूट में मैंने करवाए हैं। यहाँ देखिए लिखा है नज़्म हमद में जो लफ्ज़ है कारखाना, उससे क्या मुराद है, दुनिया मुराद है, है ना। नेकी और बदी शायर का नाम क्या है, तो आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी हैं नेकी और बदी के। कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या मतलब है, इसका भी मतलब ये है कि तरक्की की तरफ बढ़ो, तरक्की करो, है ना। तो ये था आपका पेपर, बहुत इजी पेपर था, और मैं तो ये कहूँगी कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेम वही आया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ना बताया हो, है ना। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि आपके लेटर और नज़्म तक वही आए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा करके आएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को कल इंग्लिश का सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके अलावा फिर इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से बता दूंगी, तो इंशाल्लाह लंच आ तो वही क्वेश्चन फिर आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।